बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी सुबह के 6:15 हुए और हम अभी करने लगे जी नाश्ता, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आगे फिर करते हैं जी नाश्ता। ये भी चलते हैं नमाज पढ़ने, चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अब हम पढ़ के आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में सर्दियों में क्या रूटीन चल रही है। होता ये देखे नहीं, माशाल्लाह 7:45 हुए हैं, ठीक है। अभी ये मेरी अम्मी ने फ्रेश फ्रेश हांडी बनाई है, ठीक है। चाय वो बन रही है, रोटियां जो है हमारी बन गई हैं सुबह शाम दोपहर, यानी कि अब की भी नाश्ता भी पराठे। नाश्ते में जो है जी पराठा, ठीक है, दोपहर में हमारी रोटियां और रात में भी हमारी रोटी। यानी कि कहने का मकसद है जी गैस जो है वो आता ही नहीं, तो सुबह फजर के टाइम भाई सब नाश्ता हांडी भी जो है वो उसी टाइम बनती है, जैसा कि लोगों के घरों में जो है वो रात को बनती है, और हमारे घर में जो है सुबह फजर टाइम ही बन जाती है। दोपहर की रोटी भी साथ ही सुबह फजर के टाइम, रात की रोटी भी साथ ही फजर के टाइम। रूटीन की जो है ना वो नस्त बजी हुई है जी। नाश्ता, नाश्ते में जी पराठा और आलू मेथी भाई साहब फ्रेश फ्रेश, बिस्मिल्लाह करें जिसने खानी। और अब जो है ना ये जाने की तैयारी में, 7:15 हो गए हैं और ये अब हो जाएगा जी बंद। और ये अब कल सुबह अगले दिन जो है ना सुबह 5 या 4 बजे आएगा, और फिर जो है सारा दिन हमारा साथ देगा सिलेंडर। और चाय जो है अपना वो सिर्फ हम सिलेंडर पे बनाते हैं, क्योंकि रोटी जो है वो ज़रा अच्छी नहीं बनती सिलेंडर पे, और उसका भाई जो वैसे भी जो है वो डर खूफ ही होता है हमें पार्ट पूर्ण ना जाए, तो इसलिए अब ये जो है जाने की तैयारी में है। भैया जी नाश्ता वगैरह जो है वो हमने कर लिया, और अब जो है वो फिर सो जाना है। ये अपना काम जो है वो हो गया जी वाइंड अप, हैंडल लॉक शुक जो है वो लग गए हैं। 4 थे ना ये, 2 ये पड़े हुए हैं, तीसरा ये है और चौथा वो है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर किराया नहीं मिलेगा नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सामान जो है वो अपना हो गया लोड। ये LED रैक एक इसके पीछे है, और 4 जो है वो पीछे साइड रैक टेबलों के भी जो है जी है। सेल भाई ने बुलाया था, लकड़ी का काम था किसी का, वो देखने वही सब आते आते हाथों की जो है ना वो बस हो गई है। ये जी सेल भाई आई हुई ये पता नहीं किन तंग तंग गलियों में ना बॉर्डर पास करवाने लगा है। अरे चाइना का बॉर्डर क्या देखो, ये है जी इनके पास दरवाजे लाने ही नहीं, अभी पुराना काम नहीं पाई करते। ये जी अपने दरवाजे, ये हमने पहले लगाए थे स्लाइडिंग डोर, बंद हो जाते हैं आपस में। ये चेक करें, ठंड दी है तो भाई बस इन्हें इतने दिखनी है, इतों दी मैं अगे आना फसे के होए ना टायर तेल तो लगन वाला आया है। माशाल्लाह अपने छतरे ठीक है। अभी जो है इनको खाना शाना डाल दिया, पहले जो है ना इनको खाना डालते थे रात को 9, 10, 8 बजे, लेकिन अब सर्दी है हमें भी सर्दी लगती है, तो हम इसीलिए जो है 5-6 बजे के करीब इनको जो है ना दाना शाना डाल के फारिग हो जाते हैं। सफाई वगैरह भी जो है इनकी कर दी है, ये बाल्टी भरी पड़ी है इसकी गंद की। बाकी काम शाम जो था वो मैं अपना देखाया था, रेट शेट जो है वो उनको बता दिया था, ओके शायद हो गया था, लेकिन जो दरवाजे अलमारी को लगे हुए थे वो उतार के दूसरे दरवाजे लगाने थे। जो दूसरे दरवाजे थे वो बीबी ने ऊपर मंगवा के चेक किए, तो वो दरवाजे थे इम्पोर्टेड शीट के, और जो पुराने लगे हुए थे जो उतारने थे वो थे लोकल शीट के। तो कहती यार ये दरवाजे जो है ना वो इधर अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, तो आप कैंसिल कर दो।
ठीक है, जो बाकी काम मैं एक अलमारी उखेड़नी थी सारी वो थी, और एक अपना स्लाइडिंग दरवाजा जो मैंने आपको दिखाए थे वो अपना सेटमेंट करने थे, अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया, शायद नहीं करवाना होगा, तो मैं वापस आ गया था। और अपना जो टेबल शेबल बनाए थे हमने, ठीक है, उनका बिल पेमेंट के लिए मैंने उनको फ़ोन किया था, वो कह रहे थे अपने पैड के ऊपर जो है वो बिल बना के मुकम्मल तफसील के साथ मुझे सेंड करो ताकि मैं आपको पेमेंट शेमेंट क्लियर कर दूँ उसकी। मैं आ गया हूँ वर्कशॉप, तो इधर से अब्बा जी को साथ लेके चलते हैं जी घर। ठंड जो है वो भाई साहब बहुत ही ज़ालम है, ठीक है, अभी थोड़ा सा ही, यानी कि मेरी वर्कशॉप से दूर था उनका घर, जिनके घर गया था, तो हाथों की जो है ना वो मत बच गई थी। तो इसी के साथ ही आज का वो लोग करते हैं ख़त्म। दो में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।